दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के भारत आगमन पर नरेंद्र मोदी ने भगवा वस्त्र पहनकर किया पाकिस्तान के खिलाड़ियों का स्वागत, तो भड़क उठे पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, भारत की सरजमी पर होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का आगमन हो गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने टीम का भगवा वस्त्र पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया। इस दौरान पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत पर बदला लेने का आरोप लगाया और एक ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया जिसको अगर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार पाकिस्तान की टीम के आगमन पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने आपत्ति जताते हुए क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन सा खिलाड़ी दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जिसके लिए सभी टीम तैयार हो गई है और भारत की सरजमी पर आ रही है। इस दौरान पाकिस्तान की टीम बुधवार रात को हैदराबाद की धरती पर पहुंच गई है, जहां उनका स्वागत भगवा वस्त्र पहनाकर किया गया। ऐसे में पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों का भगवा वस्त्र पहनाकर स्वागत करने पर पाकिस्तान के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज समाप्त होने के बाद जब पाकिस्तान की टीम भारत की जमीन पर आई है तो पाकिस्तान का स्वागत भव्य तरीके से हुआ है, लेकिन उनको भगवा वस्त्र पहनाकर नरेंद्र मोदी और जय शाह ने बड़ी चालाकी की है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि किसी भी टीम के खिलाफ धार्मिक तरीके से उनका अनादर करना बेहद गलत है। हालांकि भारत ने उनके आगमन में सम्मान किया है, लेकिन भगवा वस्त्र पहनाकर उन्होंने हमारी टीम का अपमान भी कर दिया। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारत की सरजमी पर पाकिस्तान का स्वागत शाही अंदाज में हुआ है। मैं पाकिस्तान की टीम के स्वागत की तारीफ भी करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से बड़ी चालाकी से उन्होंने भगवा वस्त्र पहनाकर राजनीति का फायदा उठाया है, उसकी मैं अवहेलना करता हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि किसी भी टीम को धार्मिक तरीके से परेशान करना बेहद गलत है। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी टीम का सम्मान करें, लेकिन उनके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इस बात पर आप जरूर ध्यान रखें। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दौरान जब हमारी टीम भारत पहुंची है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन पाकिस्तान की टीम का स्वागत उनके अंदाज में नहीं किया गया। जिस प्रकार से भगवा वस्त्र डालकर पाकिस्तान का स्वागत किया गया है, वो वास्तव में गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम का स्वागत आप हरे कलर के वस्त्र पहनाकर सम्मान करते तो हमें काफी ज्यादा खुशी होती, लेकिन वस्त्र भगवा देकर उन्होंने पाकिस्तान की टीम को क्षति पहुंचाई है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक तरफ जब वनडे सीरीज समाप्त हुई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम का आगमन भारत में हुआ। इस दौरान भगवा वस्त्र पहनाकर पाकिस्तान का स्वागत किया, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भगवा कलर का महत्व हमारे धर्म में नहीं है, ऐसे में अपने भगवा वस्त्र देकर हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई है। इस तरीके से आपको भगवा वस्त्र डालकर हमारा स्वागत नहीं करना चाहिए, ये हमारा सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। भारत की सरकार हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 उस मोड़ पर आ चुका है जब उसकी शुरुआत होने जा रही है, और शुरुआत होगी पाकिस्तान के मुकाबले से। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू होने में ऑफिशियल मैचेस में भले ही थोड़े दिन का वक्त है, लेकिन प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस भला कौन से थ्रिलर मैचेस से कम होंगे। पाकिस्तान की टीम अपना पहला मुकाबला 29 तारीख को खेल रही है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी 30 तारीख को अपना पहला मुकाबला खेलेगी। भारत का मुकाबला अब दोस्तों इंग्लैंड की टीम के साथ होगा, जो कि 2 बजे से शुरू होगा, और ये मुकाबला होगा दोस्तों उस टीम से जिसने पिछली बार 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता था अपने देश में। आपने सही पहचाना, बात करें इंग्लैंड की टीम की। और ये जो वार्म अप मैचेस है ना, इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों टीमें अपनी फुल फ्लेज स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेंगी एक दूसरे को रौंदने के लिए। दोस्तों, ये वार्म अप मुकाबला गुवाहाटी के प्रस्प्रस स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इस स्टेडियम का इतिहास अपने आप में बहुत रोचक है। देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर हमने श्रीलंका के अगेंस्ट 373 रन बनाया था, और यहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम की वुमेन्स का स्कोर है वो लोएस्ट टोटल है 50 रन का। और यहाँ पर जो हाईएस्ट चेज हुआ था वो इंडियन टीम ने किया था, 362 रन हमने चेज किए थे वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ यहाँ पर। अब इतने बड़े आंकड़े सुनकर आप एक बात तो समझ गए होंगे, मुकाबला हाई स्कोरिंग रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ये एक फ्लैट बल्लेबाजी पिच है और स्पिनर गेंदबाजों को जबरदस्त यहाँ पर मदद मिलती है। सो मुकाबला तो 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन इस मैच में आखिरकार हमारी प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड तो हमारे सामने है, लेकिन अब बात होगी फाइनल प्लेइंग 11 की। 200 टीम की सलामी जोड़ी की बात करते हैं। देखिए, रोहित शर्मा तो टीम में लाजवाब परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, और भाई टीम के कप्तान हैं वो तो होंगे ही, साथ ही उनके साथ होंगे शुभमन गिल।
जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए शुभमन गिल इस साल में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे। इनफैक्ट वनडे में तो सबसे तेज तर्रार 6 शतक इनके हो गए, विराट कोहली से भी ज्यादा तेज। मतलब कि हमें नजर आने वाले हैं रोहित और गिल जो सलामी जोड़ी को संभालेंगे और जो होने भी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं मिडल ऑर्डर की, तो विराट कोहली के साथ केएल राहुल होंगे और केएल राहुल के साथ होंगे श्रेयस अय्यर। इन तीनों की फॉर्म हाल फिलहाल के समय में जबरदस्त चल रही है। भाई विराट और केएल राहुल ने तो पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी एशिया कप में। इधर श्रेयस अय्यर ने भी हाल फिलहाल में शतक जड़ा है और यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जो मिडल ऑर्डर की एक और स्पॉट बचा है ना, जिसमें दो खिलाड़ियों का नाम एक साथ आ रहा है, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। अब देखिए दोनों तेज तर्रार हैं, सूर्य तो ब्लास्टिक परफॉर्मेंसेस देते हैं और एक फिनिशर भी बन सकते हैं, लेकिन ईशान के आंकड़े पिछले कुछ वक्त में जरूरत से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। ऐसे में ईशान और सूर्य में से कौन दिखेगा, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। चलिए ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑलराउंडर्स की हमारे पास कमी नहीं, हाँ अक्षर को हमने खो दिया है, लेकिन अश्विन, हार्दिक पांड्या और जड्डू, ये तीनों एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो भी भारतीय टीम में आ जाए जबरदस्त परफॉर्मेंस करते ही हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा मोस्ट लाइकली टीम में दो ऑलराउंडर्स बनकर रहेंगे ही। दोस्तों बात करें तेज गेंदबाजों की, वैसे तो दो नाम सामने आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, और कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी उन्हें रोहित की पहली पसंद बना देगी। अब दो गेंदबाज इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या मिलकर जड्डू के साथ ये पूरे 50 ओवर्स मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कुलदीप को बाहर बिठाना पड़ा तो दोस्तों शायद हमें टीम में दिख सकते हैं मोहम्मद शमी भी, या फिर किसी एक खिलाड़ी की जगह कुलदीप को एडजस्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये है वो परफेक्ट प्लेइंग 11 जो केवल वार्म अप में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में आपको नजर आने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अगर वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया तो उसे कौन जीत कर दिखाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर हार्दिक के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज का बदला लेने कदम रख चुकी है। जहां सिक्का हार्दिक के पक्ष में रहा तो फिर सूर्य और गिल ने बल्ले से मचा दिया तबाही। तो आखिर कितना हो गया भारत का स्कोर, किस बल्लेबाज ने ठोका है इस T20 मुकाबले में सबसे तेज शतक, किन 11 भूखे शेरों के साथ गदर मचाने मैदान में उतरी है दोनों टीमें, इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला गंवाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कमर कस चुकी है, 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही कम समय शेष है, तो ऐसे में दूसरी तरफ हमारे सामने विश्व जयंत कंगारुओं की टीम चुनौती लेकर खड़ी है, जहां हमें अपनी जरजमी पर ऑस्ट्रेलिया से दो दो हाथ करने के साथ साथ उनके घमंड को भी ठिकाने लगाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि भारत एक साथ 2 से 3 टीमें बनाकर दुनिया के किसी भी देश में टूर्नामेंट खेल सकता है, और ऐसा ही कुछ लाइव नजारा अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहां बस थोड़ी देर में हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 की जंग में एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि एक बार फिर विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें लोगों के बीच सबसे प्रचलित T20 फॉर्मेट में एक नया इतिहास लिखेंगी, इसके अधिक रोमांचक तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है निश्चित हुई है, जो कि हिंदुस्तान में होने जा रही है। यानी कि हमें मेहमान ऑस्ट्रेलिया की मेहमान नवाजी करने का भरपूर मौका मिलेगा। आपको बता दें पहला T20 मुकाबला आज शाम यानी कि 28 अगस्त को खेला जाना है, जिसका गवाह बनेगा मुंबई का विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम। इस महामुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी, जिसके लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। तो वहीं दोस्तों इसके अलावा दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स, तो फिर ये कारवा राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जाएगा, जहां इस सीरीज का समापन किया जाएगा। इन तीनों ही महामुकाबले का लुफ्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भारत 18 चैनल पर उठा सकते हैं। तो वहीं फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि मुकेश अंबानी जी की मेहरबानी से हमें ये T20 सीरीज भी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में देखने को मिलने वाली है। यानी जियो का ऐप डाउनलोड कर हम इस T20 मुकाबले को लाइव स्ट्रीमिंग उसमें कर सकते हैं, जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी सपने जैसा है। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, कई क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुख की खबर भी निकल कर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस सेशन में बिजी होने के कारण आराम दिया गया। ऐसे में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है, जिनके सामने भारतीय टीम को लीड करने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो वहीं उनका साथ निभाने के लिए युवा खिलाड़ियों का ऐसा दल तैयार किया गया है
जो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ाने का माध्यम रखते हैं। हालांकि उससे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो टी20 की कमान एक बार फिर से पैट कमिंस के कंधों पर रहने वाली है, जिनका साथ निभाने के लिए खूंखार खिलाड़ियों की भरमार है। स्टीव स्मिथ के साथ डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड के कंधों पर भारत की धरती पर बल्ले से कोहराम मचाने की जिम्मेदारी रहेगी। तो वहीं ऑलराउंड क्रम में कैमरन ग्रीन के साथ मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर तबाही मचाना चाहेंगे। उसके अलावा गेंदबाजी क्रम की तो क्या ही बात करें, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा से सजा हुआ ऑस्ट्रेलिया किसी से कम नहीं है। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम की बात कर लेते हैं, तो राहुल का साथ निभाते हुए ओपनिंग क्रम में हमें ईशान किशन के साथ शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या जैसे खौफनाक खिलाड़ी भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर में जौहर दिखाते हुए भी नजर आने वाले हैं।